और सांसद कालीचरण सिंह को दिल का दौरा पड़ा था, जहां उन्हें रांची के रिम्स लाया गया था। सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, उसके बाद रांची के रिम्स लाया गया कालीचरण सिंह को। आपको बता दें कि चतरा का अनाचट्टी में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे थे, जहां पहले उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर्स ने उन्हें रांची के रिम्स रेफर कर दिया। चतरा से सांसद कालीचरण सिंह को दिल का दौरा पड़ा। चतरा सांसद कालीचरण सिंह को दिल का दौरा, बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची के रिम्स लाया जा रहा है। कान्हा चट्टी प्रतिभा सम्मान समारोह में उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया। और हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ रांची के रिम्स से बने हुए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आयुष, चतरा सांसद को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर किया गया। जैसे कि हमारी सहयोगी संजय से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि अभी उनकी स्थिति सामान्य है, अभी आप वहां मौजूद हैं। क्या सांसद जो है वहां पहुंच चुके हैं, अभी उनकी क्या स्थिति है? देखिए सोनाली, बताना चाहेंगे कि अभी सांसद पहुंचे नहीं है। जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि वो पहुंचने वाले हैं और उनकी जो उनके इलाज की तैयारी जो है वो रिम्स में कर ली गई है। आपको बता दें कि रिम्स के कार्डियक इमरजेंसी में जो है ये कहीं ना कहीं उनका इलाज होगा। देखिए यहाँ जो कार्डियोलॉजी इमरजेंसी जो है इस रिम्स के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में मौजूद है, और यहाँ पर जो असिस्ट करने के लिए लोगों को बोला भी गया है। यहाँ पर बता दें आपको कि एक सुपरवाइजर जो है और ये जो तमाम एक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, कि जैसे ही उनका वाहन पहुंचे, जो भी है एम्बुलेंस से वो पहुंच रहे हैं, वहां जैसे ही पहुंचे उनकी इलाज शुरू कर दी जाए। 62 वर्षीय कालीचरण सिंह जी, आपको बता दें, जो सांसद पहली बार बने, उन्होंने जो चतरा के पूर्व सांसद सुनील सिंह को हराते हुए, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उसके हराते हुए पहली बार सांसद बना था। इससे पहले कहीं ना कहीं उनके टिकट को लेकर भी कई बार वो चर्चा में आए। जब आपको बता दें कि सुनील सिंह का टिकट कटने के बाद कहीं ना कहीं उनको टिकट मिला। ये सुपरवाइजर है रिम्स के, इस कार्डियक डिपार्टमेंट के, क्या जानकारी है आपको? सुने कि सर आने वाले हैं इलाज के लिए। सर आने वाले हैं, उनके तबीयत की कोई जानकारी कि किस हालात में है, क्या ऐसा तो नहीं मालूम है, लेकिन मालूम नहीं है। तो अभी आएंगे तो क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी यहाँ से? यहाँ इमरजेंसी में लेके टोली से जाएंगे हम लोग, फिर जो है जी। ये इमरजेंसी इमरजेंसी है सर जी। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? सब व्यवस्था है कार्डियो के लिए जी, हृदय रोगियों के लिए विशेष व्यवस्था है जी सर। तो देखिए उनकी हालत नाजुक हो या वो सामान्य हो, यहाँ पर रांची का जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स है वो तैयार है, मुस्तैद कह सकते हैं, डॉक्टर है, और बस इंतजार उस वक्त का जब यहाँ पर पहुंचेंगे। और देखिए जैसे कोई गाड़ी प्रवेश कर रही है, एक कह सकते हैं आहट सी हो रही है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो यहाँ पहुंचे और इनका इलाज शुरू हो सके जी। सुना, कौन कौन सी डॉक्टर्स की टीम मौजूद है उनके इलाज के लिए? कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति सामान्य है, लेकिन अभी भी उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर किया गया, तो कुछ डॉक्टर्स की टीम रेडी होगी? जी देखिए सोनाली, अभी चूंकि आपको बता दें कि दशहरे का समय था और डॉक्टरों की भी शिफ्ट लगी हुई थी और 2400 घंटे कहीं ना कहीं उनकी भी ड्यूटी थी। ऐसे में आपको बता दें HOD जो है कार्डियक डिपार्टमेंट के, वो इसके अलावा जो भी हैं उनके जूनियर्स डॉक्टर हैं वो मौजूद रहेंगे, जो उनका इलाज करेंगे। तो कह सकते हैं कि अभी फिलहाल वो इमरजेंसी के अंदर है। मैं तस्वीरें अंदर की दिखा दूँ कि ये इसके अंदर इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी में जो है अंदर प्रवेश करता है ये इमरजेंसी, यहाँ यहीं से ट्रॉली से उनको ले जाया जाएगा। तो अभी वहां पर अंदर वो मौजूद है और किसी से भी बातचीत, मीडिया से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। पहले वो कह रहे हैं कि वो पहुंच जाए, उनको वो देख ले, उसके बाद जो है वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ेगी जी। सोनाली, आयुष, उनकी तबीयत अचानक से कैसे बिगड़ गया? उनका पहले से भी कुछ ऐसा हिस्ट्री या ट्रैक रहा है, या इस समारोह में उनकी तबीयत जो बिगड़ी है इसे लेकर कुछ जानकारी?
जी देखिए सोनाली, चूंकि चतरा में ये घटना घटी है और जो जानकारी हमें मिली है कि जो सुनील सिंह जी हैं वो कान्हीचट्टी प्रखंड के जो है माफ कीजिएगा कान्हीचट्टी प्रखंड के चिरीदिरी पंचायत में वो एक सम्मान समारोह में जो है वो शिरकत कर रहे थे और इसी दौरान कहीं ना कहीं उनकी तबीयत बिगड़ी है। उम्र 62 वर्ष है और कई तरह के बीमारियों की बात अभी हम इसका कहने में हमें कोई गुरेज नहीं कि इस उम्र में कहीं ना कहीं लाजमी है कि बीमारियां होती है, इस तरह के चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो तमाम ये जानकारियां डॉक्टर से मिलेगी जब इनका इलाज शुरू होगा। इसके पूर्व वो कह सकते हैं कि इनके स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी जानकारी या इनके साथ कोई ऐसी घटना घटी नहीं है जो हम आपके साथ साझा कर सके। जी सोनाली जी, आयुष, तो इनका अचानक से तबियत बिगड़ गया, पहले ये बातें सामने आ रही थी कि इनकी तबियत बिगड़ी जिसके बाद इन्हें सदर अस्पताल भर्ती कराया गया, थकान की वजह से हुआ, लेकिन वहां जाने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि ये हार्ट अटैक है। जी बिल्कुल, देखिए सोनाली, जानकारी जो अभी मिल रही है हमें, प्राथमिक जानकारी, चूंकि वो रिम्स पहुंचे नहीं है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि हार्ट अटैक से ही ये जुड़ा पूरा मामला है या कहें जो घटना घटी है उनके साथ जो जिस प्रकार से हुआ है, और शायद इसी के मद्देनजर जो ये आपका सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है रिम्स का, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो कार्डियक इमरजेंसी है वहाँ लाया जा रहा है और इस कार्डियक इमरजेंसी में वो तमाम सुविधाएं, वो तमाम कह सकते हैं चीज़ें, बुनियादी चीज़ें मौजूद है जो उन्हें कहीं ना कहीं स्टेबल कर सके, उनका इलाज शुरू कर सके। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं कह सकते हैं कि हाल ही में वो सांसद बने हैं इस बार 2024 में चुनाव जीत कर, तो उनके बेहतर इलाज के लिए सभी कामना कर रहे हैं, डॉक्टर भी मुस्तैद रहेंगे जो इनका इलाज करेंगे। मुझे जो जानकारी मिली है वो जैसी जानकारी है, लगभग उनके आने में आधा घंटा भी यहाँ पर और वक्त लग सकता है, चूंकि विसर्जन का समय है और वो चतरा से निकले हैं और चतरा से आपको बता दें कि सड़क मार्ग से होते हुए वो रांची पहुँच रहे हैं। विसर्जन में कई जुलूस और कई तरह के जाम का सामना, उनको यातायात बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इमरजेंसी है और कह सकते हैं कि पुलिस का जो भी जिला प्रशासन का भी सहयोग हर थाना में अगर उनको मिलता है तो उनको लाने में देरी नहीं होगी। सोनाली जी बिल्कुल, आयुष, जब उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था ये बातें सामने आ रही थी, हमने अपने सहयोगी संजय से बात की थी, तो वो कह रहे थे कि डॉक्टर्स काफ़ी लेट पहुंचे थे वहां पर जिसकी वजह से उनको इलाज में भी काफ़ी देर हुई, जिसके बाद उन्हें अब रांची रिम्स लाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि आधे घंटे का भी और वक्त है, तो ऐसे में क्या कुछ और जानकारी है? जी सोनाली, देखिए हम राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में पहुंचे हुए हैं और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि राज्य में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो मुकम्मल बिल्कुल नहीं है। आज अगर उनको सदर अस्पताल लाया जाना पड़ रहा है, सदर अस्पताल से रिम्स लाया जाना पड़ रहा है, तो सोचिए यहाँ से चतरा की दूरी लगभग 400 से भी ज़्यादा है। ऐसे में कोई एक बड़ा अस्पताल राज्य में मौजूद नहीं, चाहे वो निजी क्यों ना हो, जान बचे तो लाख उपाय कहते हैं, तो ऐसे में अगर कोई बड़ा अस्पताल होता तो बीच में इलाज हो जाता। रहा बात सदर अस्पताल की, तो सदर अस्पताल राजधानी के सदर अस्पताल से कल एक घटना घटी जहाँ कहीं ना कहीं प्रसव पीड़ा के बीच एक महिला को जो है सड़क पे गुजरना पड़ा, हालांकि जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। तो ये समस्याएं जरूर आती है, डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं और कह सकते हैं कि जो प्राथमिक उपचार है उस पर ही कहीं ना कहीं जिला स्तर के जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। आपको किसी भी बड़े इलाज के लिए या फिर कह सकते हैं संसाधनों के उपयोग किए या फिर कहें अपने आप को निजात दिलाने के लिए आपको कहीं ना कहीं राजधानी का रुख करना पड़ता है, रांची का रुख करना पड़ता है, महानगरों का रुख पड़ना पड़ता है, जो बेहद दुखद है। राज्य में बुनियादी सुविधाएं जो है स्वास्थ्य से वो बढ़नी चाहिए। सोनाली आप बने रहिए, नजर बनाए रखिए, जैसे ही पहुंचेंगे हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए इलाज के लिए रिम्स लाया जा रहा है और फोन लाइन पे रांची विधायक सीपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए चतरा के सांसद कालीचरण सिंह को दिल का दौरा पड़ा, ये बातें सामने आ रही, उन्हें रांची के रिम्स लाया जा रहा है, लेकिन ये भी बातें सामने आ रही कि सदर अस्पताल में उन्हें जो डॉक्टर्स है वो काफी लेट पहुंचे, लेकिन उन्हें अभी रांची के रिम्स लाया जा रहा है बेहतर इलाज के लिए।
देखिए तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकता है, कोई भी इंसान है, किसी इंसान की भी तबीयत खराब हो सकती है। तो अब जैसा जानकारी दे रहे हैं, मुझे तो जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की बातें यदि होगी तो बेहतर इलाज रिम्स में ही संभव है, इसीलिए उनको रिम्स लाया जा रहा होगा और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वो ठीक होंगे जी। और चतरा की जनता की सेवा करते रहेंगे जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सीपी सिंह जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।